ಕೊಟ್ಟ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನದಾರ ನಮಗೆ ಇದು ಯೋಜನೆ ಬಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ಇದರಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಆದರಣೀಯ ಸರ್ ಜಿ, पहले हमारे गांव में ये सेंटर हमारे यहाँ हुआ है, हमारे गांव में और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है. इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माता जी भी अभी स्वस्थ है. तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं. संतोषी जी, आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके इतना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो. लेकिन एक बात कहूं मैं संतोष जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता. आप इतना इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया, बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो. धन्यवाद सर, धन्यवाद सर.